दोस्तों कुछ टाइम पहले ना पिटबुल को परचेज करने से लोग काफी डरते थे। उन्हें लगता था कि भाई पिटबुल काफी अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बट आजकल अगर आप लोग देखोगे तो पिटबुल आप लोगों को हर कहीं पर इजीली मिल जाएंगे, इवन लैब्राडोर से भी ज्यादा। क्योंकि एक तो लोग इन्हें शो ऑफ के लिए रखते हैं कि भाई हाँ हमारे पास पिटबुल है, और सेकंड ये काफी एक्टिव एंड काफी अच्छे गार्ड डॉग्स भी होते हैं। तो जिन लोगों को ये लगता है कि पिटबुल घर में रखने लायक डॉग ब्रीड नहीं है, तो वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें। आई एम श्योर मैं आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ही तो आप लोगों को बता दूं कि ओनर के पास ये तीन पपीज अवेलेबल हैं, जिसमें से दो फीमेल्स और एक मेल है। तो जो मेल है वो ग्रे कलर में है और जो फीमेल्स है वो है ब्लैक कलर में। तो भाई यूट्यूब पर बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई पिटबुल फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए नहीं होते, भाई जबकि ये चीज बिल्कुल गलत है। मेरे आसपास इतने सारे पिटबुल्स हैं और वो सभी फर्स्ट टाइम ओनर्स के पास हैं, और उन्होंने अपने डॉग्स को काफी अच्छे से सोशलाइज और ट्रेंड कर रखा है। वो किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। बस लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पिटबुल को परचेज करने के बाद, उन्हें लगता है कि अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, कहीं किसी के ऊपर अटैक ना करते, और इसी वजह से वो अपने डॉग्स को हमेशा बांध कर रखते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोग किसी भी गार्ड डॉग ब्रीड को हमेशा बांध कर रखोगे तो ऑब्वियसली उनमें अग्रेशन आएगा ही। भाई चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो, उन्हें अली ऐसे खुला छोड़े, थोड़ा खुद से घूमने दे, उन्हें आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने दे कि क्या उनके लिए सही है और क्या गलत। बस आप लोग इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखे अपने डॉग्स को काफी अच्छा कंपेनियन बना सकते हैं। फिर ये मैटर नहीं करता कि आप लोग फर्स्ट टाइम ओनर्स हो या फिर सेकंड टाइम ओनर्स, आप लोग किसी भी डॉग ब्रीड को काफी आसानी से हैंडल कर सकते हो। तो गाइस आई होप आप लोगों के कुछ हद तक डाउट्स जरूर क्लियर हुए होंगे इस ब्रीड को लेकर। तो फिर सिर्फ पिटबुल के बारे में नहीं, अगर आप लोगों को किसी भी डॉग ब्रीड को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट्स हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी डॉग ब्रीड की काफी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी गाइस पपीज जो हैं ये काफी अच्छी क्वालिटी में है और काफी एक्टिव भी, बट मेरे पास इन पपीज के मदर फादर की फोटो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो वो चीज आप लोगों को ओनर पर्सनली सेंड कर देंगे। आप लोगों ने कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हो, नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस प्लीज अगर आप लोग इस ब्रीड को परचेज करें तो आप लोग इन्हें अपना टाइम जरूर दें, इन्हें सोशलाइज ट्रेंड और इनकी एक्सरसाइज कराने के लिए, क्योंकि भाई एक्सरसाइज भी इनकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन पिटबुल पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि एज, प्राइस और लोकेशन। तो सबसे पहले अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये पिटबुल पपीज 45 डेज के हो चुके हैं, और इनकी जो लोकेशन है वो है अंबाला कैंट हरियाणा से। बाकी दोस्तों डिलीवरी में आप लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं, ओनर जो है वो आप लोगों को पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड करा देंगे एक्स्ट्रा चार्ज पर, बट या फिर अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट ओनर को विजिट करके भी पपीज को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस टाइम डायरेक्ट पपीज को मदर के पास से उठा सकते हैं, क्योंकि पपीज जो है ये होम ब्रीडिंग के। एंड फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो पपीज तो आप लोग देख ही चुके हैं जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में है, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की क्या 12,000 पीस 12,000 रुपए, एंड फीमेल की क्या जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रुपए। लेकिन डोंट वरी गाइस, प्राइस जो ये नेगोशिएबल है, बार्गेनिंग करके आप प्राइस कम करा सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।